वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे करना था हेयर कट और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सा हेयर कट करना चाहिए। मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ में देख ही रहे हो। तो मुझे हेयर कट करना है एंड दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर मैं कुछ न्यू लुक के साथ आप लोग को दिखना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि मुझे कौन सा हेयर कट करना चाहिए और मैं अपने लुक को कैसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकती हूँ। एंड जल्दी जल्दी कमेंट करके इंस्टाग्राम 24 मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मुझे पिक वगैरह सेंड कर सकते हो, ताकि मैं उसमें से जो हेयर कट मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड ये जो मेकअप लुक मैंने किया है, मेरे पास कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं था, घर पे मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, और आप अपने मेकअप लुक काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हो एंड दिवाली में कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। इस मेकअप लुक की वीडियो जा चुकी है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मैं इस जानना चाहती हूँ मुझे कैसा हेयर कट करना चाहिए, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि मैं जल्दी से हेयर कट करूँ और दिवाली में कुछ न्यू लुक के साथ दिखूँ। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे एंड कोई अच्छा सा हेयर कट मेरे लिए लेके आओगे, जिसमें मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो और मेरा लुक भी काफ़ी खूबसूरत दिखे एंड स्टाइलिश दिखे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सेकंड चैनल पे। सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ डे बाई डे जा रही है, तो सेकंड चैनल पे जाके सबको देख जरूर दीजिएगा एंड वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं अपना जो मेरा हेयर कट होगा वो और भी लोग मुझे सजेस्ट कर पाए, मैं और अच्छी अच्छी से अच्छी हेयर कट कर पाऊँ अपने बालों में। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पे जरूर फोटो सेंड कीजिएगा जो भी हेयर कट आपको अच्छी लगे मेरे फेस के अकॉर्डिंग। और ये मेकअप लुक बहुत ही कम प्रोडक्ट में और वाटरप्रूफ है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो अगर आपके पास भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, दिवाली पे कुछ अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाहते हो, पिगमेंटेशन झाइयाँ एंड कॉन्टोरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरीके का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल फॉर वेस्टर्न ड्रेस, जीन्स टॉप, प्लीज टी शर्ट वगैरह के लिए आप किस किस तरीके की हेयर स्टाइल बना सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, ताकि डे बाई डे मैं आगे बढ़ पाऊँ और आप लोग के उम्मीदों पर खरी उतरूँ और आप लोग के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ लेकर आया करूँ। तो आप लोग का जो भी कमेंट होता है मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इस कमेंट के ऊपर कमेंट से मिलती जुलती ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न ड्रेस के लिए आपको किस किस तरीके के हेयर स्टाइल बनाने चाहिए, जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो कुछ इस तरीके का बनाऊँगी मैं। इस तरीके से लेके जाना है हेयर को। अगर आप जींस टॉप डाल दें तो ये हेयर स्टाइल आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। प्रॉपर एक लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको हेयर को उठाना है इस तरीके से, ओके। और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करेंगे, जिससे कि जो हमारा फ्लैट लुक है वो थोड़ा सा पफ में बदल जाए। एंड बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे, दो बॉबी क्लिप लगा लीजिएगा, ताकि जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़े नहीं। तो इस तरीके से दो बॉबी क्लिप लगा लिया है। अब साइड के हेयर को इस तरीके से कॉम करना है दोनों साइड से, बेबी हेयर को सेटिंग स्प्रे की मदद से आप सेट कर लीजिएगा। और ये जो हेयर है इनको सिंपली ट्विस्ट करेंगे एंड इस तरीके से खींच लेंगे, या फिर यहाँ पे लास्ट का थोड़ा सा हेयर लेंगे इस तरीके से खींच के। और यहाँ पे आप बॉबी क्लिप या यू क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। और जो भी इधर का हेयर आपका जो लग रहा है कि थोड़ा अजीब सा हुआ है, इसमें आप क्लिप्स ऐड कर सकते हो। इस तरीके से लेके जाएंगे दूसरी साइड से भी, आप ऐसे ही करोगे। और
और बन को हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे। हेयर को फ्रंट की तरफ ले आएंगे। और ये हमारा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया फॉर वेस्टर्न ड्रेस। और चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ फॉर वेस्टर्न ड्रेस जींस टॉप के लिए कैसा बनाना है आपको सेकंड हेयर स्टाइल। सेकंड जो हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको चाहिए दो पतले वाले रबर बैंड और आपको निकालनी है सेंटर पार्टीशन एंड बालों को लेना है दोनों साइड से। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे रबड़ बैंड को। और इस तरीके से टाइट कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करेंगे। रबर बैंड को लेंगे इसको भी टाइट कर देंगे। अब आपको हेयर का थोड़ा सा हेयर लेना है पोनी का रबर बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लपेटेंगे। और इसके बाद लेंगे एक यूपिन और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूपिन को लगा देंगे। यूपिन लगाने के बाद से आपकी पोनी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फिर दूसरी साइड की भी पोनी को इसी तरीके से बनाने के लिए आपको हेयर का थोड़ा सा पार्ट लेना है एंड पोनी के चारों तरफ लपेटना है बिल्कुल टाइटली, जिससे कि आपका रबड़ बैंड भी हाइट हो जाए और जो आपकी पोनी है वो टाइट हो जाए। और यूपिन लेना है और इसको सिक्योर कर देना है। हेयर को कर लेंगे आगे की तरफ और ये जो पोनी के हेयर है उनको भी कर लेंगे आगे की तरफ। बाकी हेयर को करेंगे फ्लैट। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया फॉर वेस्टर्न ड्रेस। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल के साथ। थर्ड हेयर स्टाइल में क्या करना है आपको सिंपली बस यूपिन को निकाल देना है और इसको रबड़ को रिमूव करना है। ट्विस्टिंग को करना है हल्का हल्का ट्विस्ट करना है बालों को। देन इसमें वॉल्यूम दिखे इसके लिए आपको बालों का थोड़ा सा पार्ट लेना है यानी इसको यहाँ से पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। अब इसको करना है सिंपली बन बना देंगे और देखिए कितने कम बालों में कितना मस्त सा बन हमारा बड़ा सा बन यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब इसको यूपिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड की हेयर को भी करना है। तो उसके लिए आपको ट्विस्ट करना है जैसे अभी हमने साइड वाले में किया था दूसरी साइड में वैसे ही ट्विस्ट कर लेंगे एंड नीचे से एक पतला सा सेक्शन लेंगे बालों का और इस तरीके से खींच लेंगे।
इस तरीके से बन को बना लेंगे। ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, पतला सा लेयर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से खींचे जाए। और इसको भी ग्रिपिंग से सिक्योर कर देंगे बिल्कुल मैसी लुक के साथ। एक यूपिन और देंगे, लेयर्स निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा। वाह, तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया वो वेस्टर्न ड्रेस से। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ जो कि हमारा इंडियन लुक है, ज़्यादा इंडिया में वेस्टर्न ड्रेस के साथ आप लोग पसंद आता है आप लोगों को। अब हम लोग रबड़ बैंड को निकाल लेंगे। इस टाइप का रबड़ बैंड निकालने के लिए आपको रबड़ बैंड का एक पॉइंट पकड़ना है और बालों को धीरे धीरे से इस तरीके से खींच लेना है, फिर आपके बाल भी ज़्यादा नहीं फंसेंगे और रबड़ बैंड जो है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। ओके, दूसरी साइड के रबड़ बैंड को भी निकालेंगे। पहले उससे पहले यूपिन को निकाल लेंगे। अब हमको क्या करना है, जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट हेयर स्टाइल है हमारा हाई बन लुक, तो वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग बालों को हाई पोनीटेल बनाएंगे। अच्छे से बालों को कॉम करेंगे, बिल्कुल क्राउन एरिया पे लेके आएंगे और रबड़ बैंड लगा देंगे। अब रबर बैंड लगाने के लिए बाल तो आजकल सबके ही झड़ रहे हैं एंड पतले हो चुके हैं, तो हम लोग लगाएंगे इसमें आइडिया, जिससे कि हमारा जो बन है वो काफ़ी बड़ा दिखे और बाल हम लोग आजकल बहुत छोटे रखते हैं और तो बन बनाना तो बड़ा मुश्किल है एंड हैवी दिखाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो उसके लिए आप डोनट बन यूज कर सकते हो, बट सब लोगों के लिए डोनट बन लगाना यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक पार्ट्स को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और जैसे हमने उस टाइट का बन बनाया था तो किया था सेम उसी तरीके से नीचे से लेयर को पकड़ेंगे एंड खींचेंगे ताकि जिससे कि हमारे पोनी में थोड़ा वॉल्यूम आ जाए और एक्स्ट्रा हेयर को वापस से ट्विस्ट कर लेंगे और इस तरीके से लपेट देंगे चारों तरफ से। यूपिन लेंगे, यूपिन को इस तरीके से फंसाएंगे ऊपर के बालों में, पोनी के बन वाले बालों में और स्कैल्प के हेयर में और इस तरीके से लगा देंगे। अब दूसरी साइड के हेयर को भी लेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके नीचे से थोड़ा सा हेयर फेंकेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, फैला देंगे, अगेन ट्विस्ट करेंगे, लूज ट्विस्ट करेंगे एंड इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट देंगे। अब हमने इस तरीके से लूज किया था जिसकी वजह से ये हमारा बन वाला जो हेयर है ये अच्छा नहीं लगा, तो इसको पीछे की तरफ खींच के ले जाएंगे और यूपिन से सिक्योर कर देंगे। अच्छे से यूपिन को लगाएंगे
जिससे कि जो हमारा बन है वो लंबे टाइम तक टिका रहे। थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे इस तरीके से और यू पिन अच्छे से लगा देंगे हर जगह। ऊपर का जो हेयर है उसमें भी आप यू पिन लगा के अपने हेयर को और अच्छा लुक दे सकते हो। वाह, अभी जो बेबी हेयर्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, लेयर्स निकालना निकाल दीजिएगा, वैसे तो ऐसे ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये था हमारा 4 इजी सेल्फ हेयर स्टाइल फॉर वेस्टर्न ड्रेस। कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।